हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। इट्स 12:35, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कल की तैयारी शुरू हो गई। कल की क्या, पूरे एक मंथ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन करते हैं नॉर्मली, वो स्टार्ट करेंगे और आपको स्लिप दिखाएंगे। जो आज पापा स्लिप लेके आएंगे, शाम को जो सामान आएगा वो दिखाएंगे। आज थोड़ा प्रिपरेशन व्लॉग है, रमज़ान स्पेशल। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, जो नॉर्मल डेज में भी होती है लेकिन इसकी स्पेशल करी जाती है, चलिए पहले वो स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ अभी क्या। चलिए मैं आपको कह रही थी दिखाती हूँ। मैंने उसे लगा दिया सेटअप, मिक्सी, सारे मसाले नहीं। मम्मी कह रही, मम्मी आपने काली मिर्च मंगा ली? काली मिर्च, अच्छा जो मम्मी यही रखी हुई वो मरवाते, मतलब पीस लेते हैं। काली मिर्च पीसना है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लहसुन अदरक, लहसुन प्याज और भी कुछ पीसना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए पहले तो ये मिक्सी स्टार्ट कर देते हैं। दिखाती हूँ मैं मिक्सी। इसे लगाना तो बहुत आसान है लेकिन इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी आपने सामने मेरी बॉटल्स देखी होंगी, गर्मी आ गई तो बॉटल्स देखी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बीच में मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं करा तो मैं एक चीज़ खरीद के लाई थी गर्मी के लिए। हम लेके आए थे कॉपर बॉटल्स। अभी बाकी, चलिए मैं आपको बाकी कॉपर बॉटल दिखाती हूँ जो मैंने फ्रिज में लगा दी थी। मैंने क्या लगा दी थी, मम्मी ने लगाई थी बेचारी ने। सब हम कॉपर बॉटल्स लेके आए थे, पूरे 6 कॉपर बॉटल्स लेके आए थे क्योंकि पापा कहते हैं ना कॉपर की बॉटल में पानी पीना चाहिए। अब तो खैर रमज़ान आ रहा है, पानी मत पीजिएगा, लेकिन हाँ वैसे शाम को तैयारी पीएगा लेकिन दिन में नहीं, रोज़े रखना है। वैसे माशाल्लाह मैया सबके चारों के पूरे 30 रोज़े होते हैं। कोई वो कहते नहीं गंडेदार रोज़े, वो किसी के नहीं होते, चारों के पूरे होते हैं। चलिए पहले मसाले पीस लेते तभी तो रोज़े की तैयारी शुरू होगी। चलिए आई रुक जाए, मम्मी से पूछते हैं क्या पहले के पीछे। लहसुन प्याज, मम्मी ने प्याज छील के रख दी आज। मम्मी ने गरम है दिया, मैं अपना काम कर रही थी ना थोड़ा सा, मुझे पता था व्लॉग भी स्टार्ट करना है तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर ली। देखिए मिक्सी के औजार, इतने ढेर सारे औजार हैं। अब मम्मी कह रही दोनों ही निकालो, ये वाला भी निकलेगा जार, इसमें भी पिसेगा और ये छोटू वाले में भी पिसेगा। ये सब मिक्सी का ही है। वो जूसर है और इसमें जैसे वो आटा वगैरह पीसना हो, गूंदना हो, सॉरी पोपड़ हो गया, आटा पिसता नहीं गूंदता, वो तो बात सच सही है। चलो हाँ पहले प्याज भर लेते हैं, दिखाती हूँ पोपट हो गया मेरा, मेरा पोपट बहुत होते हैं। हमने इसमें जार में ट्रांसफर कर लिए सारे प्याज और लहसुन को, दिख रही होगी आपको वैसे। हमने एप्रन पहन लिया ताकि हमारे कपड़े सही रहे, वो हमने दुपट्टा रख दिया है, दुपट्टा गंदा हो जाता है, छीट उट आ ही जाती है ना। चलिए इसका ढक्कन लगा देते हैं, बस इस मिक्सी में ये बहुत झाड़ है कि इसे सेट करना बहुत कर रहा है। यहाँ लॉक लिखा है, ये एग्जैक्ट लॉक पे आना चाहिए। ऊपर में सीटी आ जा रही बार बार, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। हमने मिक्सी ऑन कर दिया, आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी, और ये सेट कर दिया है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं भैया। चलिए भैया इसे चलाते हैं, बहुत मुश्किल काम है इसे चलाना। चलिए मोबाइल में यहाँ रख देती हूँ, फिर चलाती हूँ। प्याज तो फिर सूखी, लहसुन प्याज दिखा दी, दूसरे बढ़िया, दोनों हाथ से निकलती, मोबाइल लग देती हूँ।
हमने लहसुन प्याज पीस के बॉक्स में कर दिया है। हम इंडियन लोग जुगाड़ू, ये शुगर फ्री का बॉक्स है इसे हमने लहसुन प्याज का बॉक्स बना लिया है। और अब वो करने जा रही हूँ ब्लैक पेपर सॉल्ट पीस में, मतलब ब्लैक पेपर पीस में काली मिर्च मैंने भर ली, ये छोटू से जार मेरे छोटू से जार, वैसे भी इस जार को फिट करना, इस मिक्सी का वो बहुत बड़ा झाड़ है कि फिट करना निकालना, फिट कर दिमाग में फिट कर लो। एक सीरियल का डायलॉग है, मम्मी को हंसी आ गई, दिमाग में फिट करके लॉक कर लो, फिट करके। अगर आप देखते हैं नीमा डैन जोपा कलर्स पे आता सीरियल, उसमें मतलब पहले अब तो नहीं आती है वो, पहले वो आती थी नीमा की वाइफ मतलब हस्बैंड की सेकंड वाइफ, वो कहती थी दिमाग में फिट करके भूल जाओ। चलिए मैं हमने जार फिट कर दिया है और अभी से पीस लेते हैं। पहले बटन ऑन करेंगे, टक ये लाइट ऑन हो गई, अब हम ये चला देंगे। अयो ये कैसी आवाज़ आई, ब्लैक पेपर पिस किया, कितना बारीक पीसा है, चलिए अब इसे भी जार में ट्रांसफर कर दे। तो इसका जार ये रहा, ये भी किसी चीज़ का जार है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किसका लग रहा है जार। ये भी इंडियन लोग है, जुगाड़ू जुगाड़ू डाय जुगाड़ी डिब्बा, कहीं बेचार में ना आ जाए तो मैं ज़्यादा हिलाऊँगी नहीं। अभी जो भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया। और लहसुन अदरक मम्मी कह रही मैंने कल पीस के रख लिया है, अब मैं दोबारा तो ना पीसूँगी, मैं दिखा क्या दिखाऊँ, अगर फ्रिज में अभी ध्यान रहेगा तो अभी दिखा दूँगी जब रखते जाऊँगी। चलिए अब इसे पीस लेते हैं, वो सॉरी इसे निकाल लेते हैं और इसे उठा के रख देते हैं वहाँ ठिकाने से, वो वहाँ कोने में रहती है मिक्सी, वरना ये यहाँ तो बहुत ज़्यादा दे रही ना। अभी तो कहते मैंने सेटअप लगा लिया है, चलिए सेटअप अपना हटाते हैं, फिर अभी दिखाती हूँ आपको लिस्ट। जो लिस्ट मैं कहती थी मम्मी ने पापा को देना है शाम को, फिर पापा लेके आएंगे, दिखाती हूँ यार। और मम्मी चली गई किचन में से, मम्मी कह रही तुम, हम कह रहे थे अपना सेटअप हटा दे, मम्मी कह रही अब खटाएगी चटनी की, तो चलिए अब खटाई चटनी पीस लेते हैं, मेरे बाल ख़राब होने लगे। चलो खटाई चटनी पीस लेते हैं, उसके लिए मैंने अभी धनिया धो के रख दिया है, धनिया धो के रख दिया पैकेट मिर्ची खा रही है। चलिए हम चटनी पीस लेते हैं और इसको आपकी झटपट इसकी एक रेसिपी दे देते हैं, क्विक रेसिपी, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक, खटाई, बस पांच चीज़ें, अब चटपटी चटनी रह तैयार। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया सब चीज़, देख रही ठीक है, मम्मी अपना काम कर रही। चलिए आप लगा देते हैं, फिट कर देते हैं फिट। इसकी सबसे मेन चीज़ पानी डालना मत भूल जाइए, कहीं पानी ना डालें आप, हल्का सा पानी पड़ेगा बस, ये एक पतीला ऐसे चला दे घर तो हो जाएगी घर। चलिए चला देती हूँ मैं मिक्सी, बस ऑलमोस्ट दो मिनट लगेंगे यहाँ पे रख के, आप देखिए जब तक मेरी चटनी पिसेगी। अब हम चटनी को डिब्बे में भर देंगे, और डिब्बा जो है वो असली डिब्बा, खरीदा हुआ डिब्बा, कोई जुआ हुआ डिब्बा नहीं। ये रहा मम्मी का स्टील का डिब्बा, मैंने थोड़ी सी अभी भर दी है, मैंने कहा दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, ताकि ये चटनी मैं भरने जा रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं पीती, सही पीती है, चल जाएगी दो दिन तक बस, इससे ज़्यादा चलानी भी नहीं। चलिए नल्ला हो गया, नल्ला बहुत जल्दी, सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है मुझे। चलिए अभी रख देते हैं, हमने मिक्सी का काम कर दिया, हम पानी लेकर कमरे में जा रहे हैं। आज बस दिन में पानी पी सकते हैं आप, फिर 30 दिन तक दिन में पानी नहीं। लाइट ऑन करती हूँ, देखी मैं चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, मैं चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए पापा।
बैक कैमरे दिखाती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ देखिए पीछे क्या लगा है, रमज़ान का कैलेंडर। मम्मी ने कटिंग करके लगाया है, बहुत स्टाइल से टेपिंग कर दी है। ये हर रमज़ान में हमारे यहाँ पर कैलेंडर लग जाता है। अभी दिखाती हूँ, कल लिखा है फर्स्ट संडे को पहला रोज़ा, 4:30 बजे सैरी और 6:30 बजे इफ्तारी। पूरे 30 डेज का कैलेंडर है। और चलिए मैं आपको चीज़ दिखा देती हूँ। ये आइए शक्कर, चीनी, ये मैं कह रही थी अभी काली मिर्च, मम्मी पीसू ना पीसू, मम्मी यानी पीस लो काली मिर्च। ये पापड़ आए, ये है गार्लिक का पापड़, लहसुन का, ये लज्जित पापड़, मेरा बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये समन का फेवरेट है साबूदाना पापड़, मीठा पापड़। और ये तो सबका ही फेवरेट होगा, चावल का पापड़। ये सारे पापड़ आए, मैं तो सब दिखा दूँ। ये तो नॉर्मल एग की क्रेट आई है। और ये रहा ये नमक, मेरी नमक भी एक, वैसे तो एक पैकेट रखा हुआ, मेरी और ला दो। मेरे खटाई, आमचूर पाउडर, और ये मम्मी ने अपना थोड़ा किचन में सामान बनाया है। ये स्टील है, स्टील स्क्रबर, उल्टा दिख रहा है, सीधा ही दिख रहा है ना। ये मम्मी बॉक्स मंगा लेती हैं। और ये मम्मी ने विन माए विन, ये होता ना ये एक बार में खुल जाता तो सही रहता है। ये मम्मी छोटे वाले मंगा लेती हैं काफ़ी सारे। और ये रही टाइट की थैली, सब पापा एक के लिए आते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं सबसे बात से दिखा रही हूँ आपको, गोलगप्पे का पैकेट। पता ही नहीं चलता है यार ये कैसे ख़त्म हो जाता है, इसे तो आने की देरी होती है। रेडी टू फ्राई है ना, और इस पर एक अच्छी लाइन लिखी हुई है नीचे, दिखाती हूँ। फटाफट तैयार, दिल मांगे बार बार, कितनी अच्छी लाइन लिखी है। और ये जो चीज़ है ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, एक बड़ी खाली पॉलीथीन। पॉलीथीन की इतनी ज़रूरत रहती है, ये एक बहुत बड़ी पॉलीथीन है। पॉलीथीन तो इतनी मम्मी ने फेंकी नहीं है, तो मैंने कहा लाओ ये भी दिखा दूँ, वरना आप कहेंगे ये साइड में पॉलीथीन रखी थी वो क्या है। और एक चीज़ और लेके आए पापा, वो मैंने अभी फ्रिज में रख दी, ये भी दिखाती हूँ क्या वो मेरे लिए लाए। ये देखिए किंडर जॉय, आया मैं छोटा बेबी ना, वहाँ मेरे लिए किंडर जॉय लेके आए। इतना सामान मम्मी के लिए तो मेरे लिए कुछ तो आता, तो ये आया किंडर जॉय। अभी मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने खोल लिया है, इधर का पैकेट अभी खाने वाला नहीं खोला है, वो बिल्कुल पैक है। लेकिन ये जो इधर साइड टॉय निकलता है वो मैंने खोल लिया है, और ये टॉय बना लिया है इधर। मैंने कहा आप लोगों को बना के दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अभी खोल खाने वाला नहीं खोला, ये मन नहीं हो रहा मैंने कहा, लेकिन ये तो दिखाना ज़रूरी है। ये कैट है, कैट मियाँ, अच्छी लग रही। और इसके ये पता नहीं ये ग्रीन कलर का नीचे का क्या मिला है, समझ में नहीं आ रहा मुझसे तो, फिट ही नहीं हो रहा। और बच्चों को पता नहीं क्या शौक आता है, ज़रा सा तो होता है, लेकिन अच्छी लगती है वो चॉकलेट बॉल। चलिए उठा के रख देते हैं अब ये, रमन नमाज को जा रही है, दिखाती हूँ। हो गई मेरी और मम्मी की नमाज, हो गई रमन रह गई, समन को नहाने में देर लग गई, समन अब नहा। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मेरा समन कुछ खाने जा रहे हैं मार्केट, चमन नीचे पहुँचेंगे। अच्छा होता है मिर्च की पकौड़ी खाई, अरे ताला ये मम्मी घर में ताला डाल के जा, मम्मी घर में है ना, डाल के चाय पापा को दे देंगे, उन्हें खाने जाएंगे। देखिए क्या खाते हैं, सबसे पहले समन ने भी मोमोज, समन खाए, मैं नहीं खाऊंगी, चलो एक ट्राई कर लेती, एक खाऊंगी तो एक ज़्यादा नहीं।
मगोरी लेने आए, मगोरी फ्राई हो रही है, कढ़ाई दिख रही है नीचे फैन चल रहा जुगाड़ से, मगोरी फ्राई हो रही है। भैया ने तेल गरम करने रखा, फिर मगोरी लेके फिर हम घर चले। समन स्टैंडिंग में वेटिंग कर रहे, मैम वेटिंग में है अभी। चलिए जब बन जाएगी, पैक होगी तो मैं देखूँगी आपको। हम घर आ गए, आपको मेरे बैकग्राउंड से लग रहा होगा। और यार इतनी गर्मी लग रही थी, फिर हम दोनों घर आ गए, हमने कहा और कुछ नहीं खाएंगे, बहुत गर्मी है। जबकि अभी 4:30 हो गया, 5 बज रहे यार। हमने भैया गर्मी हो रही बहुत। चलो भैया अब समझ से मंगाया पानी, पानी पियेंगे कॉपर बॉटल का पानी, और पहले पानी पियेंगे उसके बाद पकौड़ी खाएंगे। पकौड़ी दिखाऊंगी अभी आपको। पानी पी लिया, अब पकौड़ी खाएंगे। गर्म है ना अभी, गर्म मतलब उन्हें बना के दी तो अच्छी लग रही, ठंडी होने के बाद पता चलेगी, गर्म में तो अच्छी लग रही। पैकेट दिखाते हैं किसमें लेके आया था, उसमें कितना ऑयल लग गया, कितनी ऑयली हो जाती है, सारा ऑयल पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। मानव मम्मी शाम की चाय पी रहे हैं, हम शाम का खाने मम्मी कहने खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, खाने के लिए थी। अब हम खाएंगे रमजान से पहले की, क्या कहने लगी बर्फ का बोला, रमजान मुबारक। समन तो अपनी लेके भाग गई। अब मेरा और समन कॉम्पिटिशन हो जा रहा है कौन ज़्यादा देर तक जबान लगा रहता है इस पे बर्फ पे। अब आप कमेंट करके बताना। मम्मी अंधेरा तो बहुत ज्यादा ही हो गया, मेरी तो वीडियो भी नहीं आ रही यार। चांद हमें तो नहीं दिखा, लेकिन मेरी चाची की बेटी को दिखा था, उसने मुझे फोटो सेंड करा है। अब मैं इस क्लिप के बाद वो फ़ोटो ऐड कर दूंगी। चलिए आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट सहरी, फर्स्ट तरावी, फर्स्ट रोज़ा। समन और मम्मी वो अंदर बैठे, समन उस कमरे में बैठी हैं और मम्मी उस कमरे में बैठी हैं, हम बाहर हैं और पापा दुकान पे हैं। चलिए आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। सो प्लीज़ बी रिमेंबर लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रंच वर्क, प्रेस द बेल आइकन। बाय।